दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेन्द्र प्रताप सिंह के सेवानिवृत्त होने पर महाविद्यालय के सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जनपद के विभिन्न संगठनों तथा शिक्षकों ने प्राचार्य डॉक्टर शैलेन्द्र प्रताप सिंह को स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र व माल्यार्पण कर सम्मानित किया, जिसके संबंध में दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि 1 जुलाई 2016 को प्राचार्य के रूप में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था तथा 5 वर्षों में अपने प्रयास से महाविद्यालय के विकास एवं उन्नयन हेतु यथासंभव प्रयास किया तथा प्राचार्य पद पर आसीन होने के उपरांत महाविद्यालय के आधारभूत ढांचे, पुस्तकालय, वाचनालय के उच्चीकरण, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, नियोजन, प्लेसमेंट, नए पाठ्यक्रमों में संबद्धता, प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण, शैक्षिक पंचांग क्षेत्रों को चिन्हित कर आवश्यक सुझाव के माध्यम से प्रबंध तंत्र तक संस्तुति करवाने और उन्नति के पश्चात संबंधित विभागों व समितियों के प्रभारियों से उनको क्रियान्वित करने का समग्र प्रयास किया गया, जिसका परिणाम है कि महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर 2 नए विषय खुले हैं और 10 विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित हो रही हैं तथा 5 विषयों में शोध कार्य भी हो गए हैं। उन्होंने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान संगम, पुरातन छात्र परिषद, शिक्षक विभाग, अभिभावक समिति, छात्र परिषद तथा अल्पाइन फाउंडेशन आदि सहित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थानों के संस्था प्रमुख द्वारा प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रोफेसर डीके सिंह, डॉक्टर शरद मरी त्रिपाठी, नरसिंह बहादुर चंद, श्री कृष्ण सिंह, अभिषेक सिंह, अमृता राव, अमित सिंह पटेल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा, पीजी कॉलेज की बाउंड्री में हमने 18 दिसंबर 1982 को जो सेवा प्रारंभ की थी उसका विस्तार होगा और वह विस्तार परसों से उसको मिलेगा। कल की रात मैं आराम करूंगा, योजना यही है। तो मुझे लगा कि इस पूरे 5 साल में जब मुझे प्राचार्य के दायित्व को सौंपा गया, उसका निर्वहन करने का अवसर मिला, तो जो विभिन्न संवर्गों से, खास तौर से सोसाइटी से और विद्यार्थियों से, इन दो पर हमारा फोकस हुआ और इनसे जुड़े रहने के कारण हमको यह पता था, ध्यान था कि इनकी डिमांड क्या है और सोसाइटी को लेकर के और स्टूडेंट्स को लेकर के हम किस प्रकार से अपनी संस्था को एक बृहत्तर आयाम दे सकते हैं। उस पर प्रयास शुरू हुआ और इसमें जो सबसे पहला स्टेप हमने कॉलेज में लिया, जहां ट्रेडिशनल क्लासेस चलती हैं कि साहब क्लास में गुरुजी गए, पढ़ाए, आए, चले गए, हमने शिक्षा का प्रसार कार्यक्रम डिपार्टमेंट्स को दिया और ये कहा कि आप लोग कोई ना कोई एक क्षेत्र चुनिए जहां अपने विद्यार्थी को भेजिए और आप पॉलिटिकल साइंस विद्यार्थी पढ़ता है तो उस पॉलिटिकल साइंस का आप उस इस समाज से क्या लेना देना, आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, जो भी विभाग है वो अपना। इसके बाद हमने फिर फोकस किया कि कौन कौन से बिंदु चिन्हित हो रहे हैं, तो उस पर विभागों को कहा जाना, तो एक परंपरागत रहा लेकिन हर विभाग अब बाहर से रिसोर्स पर्सन को बुला करके संबंधित टॉपिक पर लेक्चर कराने लगे। उससे क्या हुआ कि बच्चों का एक इंटरेक्शन का दायरा बढ़ा, तो पॉइंट्स बनाते हैं और उसके बाद और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पूरा सहयोग समितियों का, शिक्षकों का, कर्मचारियों का मिलने लगा। एक अच्छे शिक्षक, आदर्श शिक्षक, रिसर्चर तो रहे ही हैं विश्वविद्यालय में। जब इन्होंने अपनी सेवा अवधि पूरी की तो इन्होंने भी एक विस्तार दिया,
और आज इस महाविद्यालय में आप देखेंगे तो इनके लेक्चर्स की सीरीज भी है, और साथ ही साथ जो हर्बल गार्डन बनाने का कॉन्सेप्ट मेरा आया वो भी आपसे मिला, और आपके माध्यम से कम यहाँ 3-4 दर्जन से ऊपर पौधे डोनेट भी किए गए। तो ऐसा करके इन्हें क्या प्राप्त हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन महाविद्यालय को बहुत मिला। तो इस तरह से सर के माध्यम से, और सर की तरह जैसे रणविजय सिंह जी, प्रोफेसर सदानंद गुप्ता जी, पांडे जी, प्रत्युत दुबे जी, कई राजेंद्र भारती जी, इस तरह सोसाइटी से हमने लोगों को बोला। फिर जब सांस्कृतिक आयाम बच्चों के डेवलपमेंट की तरफ में गया तो वहां मुझे संस्कार भारती से जुड़ने का मौका लगा। संस्कार भारती की गतिविधियां यहाँ होने लगी और हम संस्कार भारती को जोड़ करके भी कार्यक्रम करने लगे। तो कुल 22 जगहों पर मैंने MOU साइन किया, समझौता ज्ञापन, जिसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र जो है पीपीगंज में उसके साथ भी है, गोरखनाथ चिकित्सालय के साथ भी है, और ये सब हम उनका काम यहाँ भी, हमारा काम वहां भी, हमारे बच्चे वहां भी जाने आने लगे। इसी क्रम में जागो गोरखपुर से ये कल्चरल का, इसी क्रम में महाविद्यालय को और गति देने के लिए पुरातन छात्र परिषद जिसके अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह जी बैठे, शिक्षक अभावक समिति उसके अध्यक्ष भारतेंदु जी बैठे। तो ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्कृत अनुभाग, इन सबसे जुड़ करके काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। और पीछे हमको रखने के लिए कर देना, सारी खरीदारी आप डालिए। मैं बहुत भाग्यशाली था जो मुझे शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, और इस महाविद्यालय में 1 जुलाई 2016 से प्राचार्य के दायित्व पर भी कार्य करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से संस्थाएं किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद पर, चाहे वो तृतीय श्रेणी हो, चतुर्थ श्रेणी हो, शिक्षक हो, प्रिंसिपल हो, कहीं भी हो, उसको अवसर प्रदान करती हैं अपने उस सीमा में रहकर कुछ बेहतर करने का। वह अवसर मुझे भी मिला, और प्रसन्नता इस बात की है कि जो संस्था है उसकी मूल जिम्मेदारी उसका विद्यार्थी है और उसके साथ वो समाज है, हमें इन दोनों के साथ जुड़ करके कार्य करने और इनको अपने से जोड़े रखने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, और आज महाविद्यालय मैं कह सकता हूँ कि NAC प्रत्यायन में जो 2.84 CGPA के साथ B++ प्राप्त किया है, यह पूरे इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मान का विषय है, हमारा हौसला बढ़ता है, और हमने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया कि हमारी संस्था की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। तो स्ट्रेंथ को तो हमने और ठीक किया, वीकनेसेस को भी निरंतर धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया, और अभी भी काम करने के बहुत से अवसर हैं जो आने वाले प्राचार्य को अपनी संस्था के सभी शिक्षक कर्मचारियों के साथ मिलकर के समाज को जोड़ते हुए करना ही होगा। सर, अध्यापकों का और छात्रों का कितना सहयोग मिला? मैं बहुत भाग्यशाली था, जितने भी हमारे शिक्षक रहे हैं वो अपने अध्ययन अध्यापन के साथ ही साथ
समितियों के माध्यम से प्रत्येक शिक्षक किसी न किसी समिति में जुड़ा हुआ था और वह समिति हमेशा सक्रिय समिति रही, केवल निष्क्रिय समिति नहीं रही। तो अनुशासन, पठन पाठन, बच्चों के सर्वांगीण विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस सब में शिक्षक जुड़े रहे। और विद्यार्थियों का तो आखिरी विद्यार्थी तक का, जो मैंने अपने कहने में बताया भी कि आखिरी विद्यार्थी तक अपने प्रिंसिपल से सीधा संवाद करता रहा और सुझाव भी देता रहा। और विद्यार्थियों को बेहतर भूमिका में लाने के लिए जहां हमने छात्र परिषद का गठन किया, वहीं कुछ विद्यार्थी जिनके बारे में ये रिपोर्ट मिली कि वो टीचर्स का कहना नहीं मान रहे हैं, उनको मैंने छात्र सेवा प्रकोष्ठ में रखा और अपने प्राचार्य के द्वारा उनको गोद लिया गया और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस महाविद्यालय में अनुशासन चुनौती बन जाए, उस महाविद्यालय में सामान्यतया समस्याएं आएंगी, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं रही। यहाँ का कैंटीन भी विद्यार्थियों ने संभाला, अनुशासन भी विद्यार्थियों ने संभाला, हर जगह विद्यार्थियों की भी प्रतिभागिता रही। तो ये बहुत भाग्यशाली था मैं, और गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा से ब्रह्मलीन महंत द्वय, ब्रह्मलीन अवैध दिग्विजयनाथ जी महाराज, अवैधनाथ जी महाराज का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त था। वर्तमान गोरक्ष पीठाधीश्वर महाराज जी का भी समय समय पर आशीर्वाद, निर्देश, सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही प्रबंध समिति से लेकर के विद्यार्थी तक और विद्यार्थी से बढ़ते हुए अभिभावक और समाज तक आप सबका बहुत सहयोग रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति रहा हूँ।